इस आयोजन में देश के हजारों युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, हर देश के पास अलग अलग तरह का न्याय है। आज भारत इसी सोच के साथ अपनी युवा शक्ति को एम्पावर कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम में अभूतपूर्व सुधार कर रहा है और इसमें भी आप जैसे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर भी तैयार कर रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया मान रही है एक्सपोर्ट्स, मोबाइल एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग में निर्माण एक नई चीजें जुड़ी इस संस्थानों को मॉडल आईटीआई के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। मकसद यह है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ ही इनमें एफिशिएंट और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा सके। साथियों, भारत में स्किल डेवलपमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। हम टेक्नोलॉजी या कोई दूसरी सर्विस इतने तक ही सीमित नहीं। इसी प्रकार हमारे विश्वकर्मा साथी हैं, ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा रहते हैं। इनके बिना कोई भी काम नहीं चलता, लेकिन परंपरागत रूप से अपने बड़ों से जो काम ये सीखते हैं वही आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी और टूल से जोड़ा जाता है। मेरे युवा साथियों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, आप जैसे युवाओं के लिए
साथियों, अंतरराष्ट्रीय संस्था IMF ने भी जो आंकड़े जारी किए हैं वो भी आप सभी युवाओं का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। IMF ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी सर।